गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग होने वाला है हरियाली तीज ब्लॉग। मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाई, और तो अभी मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। चलिए मिलते हैं। मैं अपने पास की टावर में मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि कल क्या है, कल रात में बैठे थे मेहंदी लगाने वाले, तो तब मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पे, क्योंकि हम बाहर गए हुए थे भैया के साथ में पार्टी करने के लिए। तो आपने पार्टी वाला ब्लॉग देखा, प्लीज़ देखना जाके, बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो अभी मैं अपने पास के टावर में लगवा रही हूँ मेहंदी, और आपको दिखाती हूँ कैसी मेहंदी लगवा रही हूँ। फर्स्ट टाइम लगवा रही हूँ उनसे मेहंदी में, बट मुझे रिव्यूज़ मिले हैं कि काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती हैं वो, तो देखते हैं फिर। चलिए चलते हैं। और बहुत तेज़ धूप है बाहर, तो आग भी नहीं खुल रही। आग में देखो कैसे पानी आ गया, और पता भी मैंने क्या गड़बड़ कर दी। जी 11 टावर में जाना था, वहाँ पे जो मेहंदी लगवाने वाली है वो वहाँ पे रहती है, और मैं जी 14 टावर में जा गई, और मैंने जिनका फ्लैट नंबर पे मुझे जाना था उन्हीं के फ्लैट नंबर पे 14 टावर में जाके बैल बजा दी। वो पूछ रहे हैं आज, पूछ रही हैं आके मेहंदी मेहंदी, तो भैया मेरी बात हुई थी कॉल पे कि नहीं हम लोग कोई मेहंदी नहीं लगाते। मैं जी 11 टावर में 106 में बोला था, मैं जी 11 टावर में बोला था, तो कि ये तो 14 है यहाँ, मतलब सच में पॉपट हो गया। तो अभी मैं जाती हूँ जी 11 टावर में, ये देखो मेरे आंसू आ गए। अभी मैं जाती हूँ जी 11 टावर में, और जी 11 टावर में जाके देखती हूँ कि कैसी लगती है मेरी मेहंदी। चलिए तो दिखाती हूँ। तो हम आए हैं ज्योति के पास, और मुझे जो रिव्यूज़ मिले हैं ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप उनको कॉल कर लो, और मिलिए इनसे। तो आप हमारे कैसी मेहंदी लगाने वाली है? जैसी आप बोलोगे वैसी लगा देंगे। थैंक यू सो मच। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी फिर मेहंदी लगाने के बाद कि कैसी मेहंदी लगती है, और मैं आपको इनका जो भी हैंडल है, ये मेकअप भी करती हैं बहुत अच्छा, हमारी सोसाइटी में रहती है, तो मैं आपको इनका जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है प्लीज़ चेक करना चाहिए। देखिए मेरी सुंदर सी प्यारी सी मेहंदी जो कि ज्योति ने लगाई है। आप प्लीज इनका इंस्टाग्राम हैंडल जरूर चेक करना। ऐसे करके बैक करो। बाकी मैं तीज का आपको दिखाती हूँ अभी, जो हम बाहर जाएंगे, और जो मैं शाम को तीज की जो पार्टी है हमारे क्लब हाउस में, उसका मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप जरूर देखना। गाइस, तो अभी मैंने मेहंदी को धुल लिया, मेहंदी वैसे भी रात तक सही हो जाएगी। अभी हम आए हैं मॉल कुछ खरीदने के लिए, कुछ घूमने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे, हमारी सोसाइटी में एक पार्टी है तो उसको अटेंड करेंगे जाके। अभी कुकू ने बस ब्लू पहना है, बाकी मैंने और मोहित ने पहना है ग्रीन, दोनों ने मैचिंग कलर डाला है। वैसे भी आज तीज है तो ग्रीन पहनना बनता भी है, और बस अभी यहाँ पे घूम के निकलेंगे और कुछ भी खरीद के, कुछ शॉपिंग करके थोड़ी बहुत निकले। तो इसके बाद यहाँ पे हम निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और यहाँ पे मैंने और कुकू ने बहुत ज़्यादा बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई, वीडियो बनाई, और यहाँ मैं कुकू को बोल रही थी कि मम्मा को लड्डू दे दो एक, मम्मा को लड्डू दे दो, कुकू मेरे यहाँ किसी कर रहा है देखो। पापा किधर चले, ये हम सामान लेके जा रहे थे। अपनी शॉपिंग हो गई है डन, और अभी निकल रहे हैं घर के लिए। वी आर एज यूजुअल लेट फॉर टी सेलिब्रेशन, और हमने की है ये शॉपिंग। मज़ा आता है बहुत शॉपिंग करके, मतलब शॉपिंग का सब कुछ मिलती है ना। अब हम घर निकलते हैं और तीज के लिए चेंज करते हैं, फिर तीज की पार्टी में चलते हैं। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ तीज के लिए। वैसे नीचे काफ़ी सारा कुछ आई थिंक ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ से आने में, क्योंकि मुझे आज ही मेहंदी लगवानी थी, फिर मॉल गए, फिर उसके बाद ये पार्टी अटेंड करनी थी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। अभी देखते हैं क्या मिलता है, मैं आपको दिखाऊँगी। और ये रही हमारी शॉपिंग, ये भी मैं आने के बाद दिखाऊँगी आपको हमने क्या शॉपिंग की है। तो अभी नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं जाके। वैसे मुझे लग रहा है सिर्फ खाने के स्टॉल बच रहे हैं, बाकी सब कुछ हट गया है, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गई है, और इस टाइम का कोई टाइम था भी नहीं इस टाइम का। तो ये जल्दी वाले लोग जल्दी करते कैसे हैं हर काम, हमारे सारे काम लेट होते हैं,
हम दोनों ही लेट लतीफ है। ये हम पहुंच चुके हैं अपने निराला के क्लब हाउस, और यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ लगे हुए हैं फूड स्टॉल, और ये हम अंदर चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। अंदर चल रहा है म्यूजिक पार्टी भाई साहब। और यहाँ पे हम जैसे ही अंदर एंटर हुए हॉल के अंदर, तो मतलब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और मतलब लेडीज़ डांस और म्यूज़िक वगैरह सब चल रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, सब ने ग्रीन कलर के सूट साड़ी ड्रेसेस बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस डाली हुई थी किसी किसी का, तो मैंने इतना इतना सुंदर सुंदर लहंगा वगैरह देखा है। मतलब मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतने अच्छे तरीके से सब रेडी होके आए और सब ने इतने अच्छे तरीके से तीज का त्यौहार सेलिब्रेट किया। फिर मैं यहाँ पे देख भी रही थी कुछ मुझे मिल जाए लेने के लिए, कुछ भी शॉपिंग के लिए मिल जाए, सूट बैग, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोर लगे हुए थे सच में। यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि जो जिन्होंने भी मतलब तीज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था उनको गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे थे, और वो लोग बहुत खुश थे। मतलब देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो भाई मतलब पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और गिफ्ट वगैरह भी मिल रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे लोग तैयार होके आए थे। फिर यहाँ पर डांस स्टार्ट हुआ, फुल भांगड़ा म्यूज़िक, और यहाँ पर जो मतलब डांस कर रहे थे फुल मस्ती में डांस कर रहे थे। मतलब मुझे देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने ये फुल रिकॉर्ड किया, क्योंकि जो ढोल पे डांस होता है ना वो मस्त डांस तो किसी उस पर मतलब म्यूजिक पे नहीं होता। ढोल पे डांस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है शादियों वगैरह में, और जहाँ पे कहीं पे भी फंक्शन हो कुछ तो ढोल वाला डांस तो वाह मतलब मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैंने मुझे ये स्लो मोशन वाले वीडियो बनवाने थे, तो मैं मोहित को बाहर लेके आई और मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ मेरे 2-4 स्लो मोशन वाले वीडियो बना दो, शॉर्ट्स में भी काम आएंगे, और स्लो मोशन वाले वीडियो कभी कभी बहुत प्यारे आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लो मोशन वाले वीडियो बनवाए, अपने बनाए, कुछ कुकू के साथ बनवाए। थैंक गॉड यार आज हमारा पॉपअप नहीं हुआ जैसे कि हम काफ़ी लेट आए थे मॉल से घूम के, तो हमें लग रहा था कि पॉपअप गया होगी। 6:30 बजे का प्रोग्राम था और हमें ऑलमोस्ट 9:30 बज गए थे, तो मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं मिलेगा, बट अभी भी काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं अंदर, लेडीज़ डांस कर रही हैं और बहुत सारे मतलब उनको विनिंग प्राइज़ भी मिल रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा देख के कि मैं रेडी होके आई, तो मेरा मतलब रेडी होना वेस्ट नहीं गया। मैं रेडी होके आती और मुझे यहाँ कुछ ना मिला तो थोड़ा सा सैड फील होता कि बहुत लेट कर दिया, कुछ नहीं मिल पाया। तो अभी हम कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर प्रोग्राम देखेंगे। एक और ज़्यादा बचो, टिक्की चाट किस किस को पसंद है मंगा के खाओ। और यहाँ पे चल रहा था लेडीज़ डांस, जो कि मतलब सब बहुत ही मज़े में कर रहे थे, जिस जिसको भी पार्टिसिपेट करना था वो कर सकता था, जिस जिसको डांस करना था कर सकता था स्टेज पे जाके। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा डांस चल रहा था और बहुत सारी लेडीज़ डांस कर रही थी एक साथ यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग वापस जा चुके थे क्योंकि बहुत से लोग जल्दी आ गए थे। 6:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट था तो बहुत से लोग जल्दी आ गए थे, तो यहाँ पे 9:30-10 के करीब का टाइम था, तो बहुत सारे लोग जा चुके थे। और फिर भी लेकिन म्यूज़िक स्टार्ट था तो जिनको डांस करना था वो कर सकता था, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और सारी लेडीज़ मिलजुल के एक्शन करके ये वो मतलब बहुत ही अच्छा डांस किया था सब ने ही। देखिए यहाँ पे फुल मस्ती में डांस चल रहा है। मतलब यार मम्मियों वगैरह को कभी तो खैर देखो मौका मिलना चाहिए ना, उनको भी टेंशन फ्री होके कुछ भी वो अपना मन जो अपने मन से जो चाहे वो कर सके। तो यहाँ पे देखिए ये था मेरा आज का लुक। आज मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि मेरे पास कुछ भी ग्रीन कलर का नहीं था, तो मुझे कुछ भी ग्रीन कलर का चाहिए था कि ड्रेस कोड था ग्रीन, तो मैंने साड़ी पहनी थी। और फिर मैं यहाँ पे कुकू के साथ मस्ती कर रही थी बहुत। कुकू क्या करता है ना, काटने के लिए आता है और बहुत तेज काटता है भाई ये बच्चा, इसके दांत बहुत शार्प हो चुके हैं, बहुत तेज काटता है। तो ये यहाँ पे मेरे काटने की कोशिश कर रहा था, फिर ये मुझे लड्डू कर रहा था,
और फिर ये मुझे, मैं इसको बोल रही थी मुझे हगी कर दो, इसको हगी करनी भी आ गई, बहुत ही क्यूट क्यूट। फिर हम झूला झूलने के लिए, एक्चुअली हम दिन में झूला नहीं झूल पाए थे, तो फिर हम रात को अपने गार्डन में ही झूला झूलने के लिए गए थे। फिर हमने कुकू को झूलाया, फिर मैंने भी झूला, मोहित ने भी झूला कुकू के साथ। और झूला झूलना देखो जरूरी है इस दिन ना, तीज का त्योहार था, झूला झूलना तो बिल्कुल बनता है। तो फिर हम अपने पार्क में ही के मोहित ने ही मुझे बोला था, नहीं पहले झूला तो झूल के आ, ऐसे तीज कैसे बनेगी बिना झूला झूले। तो फिर हम पार्क में गए, झूला झूले, हमने तीनों ने एक मोमेंट मतलब स्पेंड किया तीनों ने एक साथ, तो वो अच्छा लगता है कभी कभी अकेले कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स बनाना जो कि आपको बहुत प्यारे बहुत क्यूट क्यूट से लगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये मेरे लिए ऐसे कुछ करते हैं और बहुत खुशी होती है। हे गाइस, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। देखिए मैं लेके आई हूँ तीन अपने फेस पैक जो कि मैंने 50% ऑफ पे खरीदे हैं। आपने अगर सुना हो स्मिटन ऐप है एक, जिससे कि आपको ट्रायल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप उनको ट्रायल प्रोडक्ट्स को बहुत कम सिर्फ 250 रुपये में 6 प्रोडक्ट 6 पॉइंट मिलते हैं और आप उनको ले सकते हो किसी प्रोडक्ट को। और हमारे पास ही गोर सिटी सेंटर में उसका स्टोर खुला है स्मिटन का, तो मैं वहाँ से ये सिर्फ 150 रुपये में लेके आई हूँ, सिर्फ 150 रुपये में शुगर का हाइलाइटर। यार इसकी पता है आपको इसके प्राइस कितने हैं? 399। ये देखिए 400 रुपये का 150 रुपये में। आप स्मिटन से कोई भी प्रोडक्ट जाके या फिर इसके स्टोर से भी ले सकते हो। ये देखो जस्ट हर्ब का लिप एंड चिक टिंट, ये है आपका 173 का, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। ये भी 200 की हैं जो कि मुझे 100 की मिली हैं। मिस लिप्स की लिपस्टिक, मुझे थोड़े डार्क कलर चाहिए थे तो मैं ये 200 वाली 100 में लेके आई। और ये वहाँ पे फ्री में वो दे रहे थे एक, जो मैं लेके आई हूँ मुझे कुछ डार्क लिपस्टिक शेड चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे, डार्क में लाइट यूज़ करती थी अभी तक, बट मैं रेने के ये कुछ डार्क लिपस्टिक शेड्स लेके आई हूँ। ये तीन लिपस्टिक्स लेके आई हूँ, आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अभी मुझे इन दो के साथ एक ये फ्री मिला है, तो ये दो MRP पे और ये एक फ्री, इसके साथ में एक ये फ्री पाउच भी मिला है मुझे रेने का। तीसरी चीज़ मैं लेके आई हूँ कुकू के क्यूट क्यूट से कपड़े, और ये हमने मोहित के लिए लिया था शॉर्ट्स, मुझे ये शॉर्ट्स बड़ा अच्छा लग रहा था तो ये हमने लिया मोहित के लिए, और लिया उनके लिए दो ये हैंकी का सेट, ये दो हैंकी के सेट, एक मैक्स से और एक लाइफस्टाइल से, ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे। और कुकू के लिए हमने क्या लिया है, कुकू के लिए मैंने बड़े क्यूट क्यूट कपड़े लिए हैं। कुकू के लिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। कुकू के लिए मैंने ली है एक ये सेट, डांडी सेट, ये पेंटालून से लिया था हमने, ये मुझे कुकू के लिए बहुत क्यूट लग रहा था। एक ली है ये टी शर्ट, हमने कुकू की शॉपिंग पेंटालून से की है जो कि मुझे बड़ी सही लगे वहाँ पे बच्चों के कपड़े, ये फ्रेश में थे सेल में नहीं थे लेकिन मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। फिर ये टी शर्ट वाइट एंड ग्रीन का मैचिंग, और एक ये कलरफुल टी शर्ट जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। ये हम ले नहीं रहे थे, हम पहले दो ही ले रहे थे बट ये 200 रुपये में मिल रही थी तो मुझे लगा कि बहुत प्यारी है तो मैंने ये भी ले ली। फिर तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।